मजा आने वाला है, वीडियो का पूरा बने रहिएगा, आपको दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो गाइस ये हमारा पानपोस ब्रिज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, यहाँ पर गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आना जाना करता है, एक एक टाइम में रुक जाना पड़ता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। और जो साइड में ब्रिज के साइड में और एक तो ब्रिज देख रहे हैं वो है ट्रेन पटरी, वहाँ पर से ट्रेन आना जाना करता है। और ऊपर देख सकते हैं हमारे यहाँ का बादल जो कि बहुत ही कमाल का बना हुआ है। सो गाइस हम अभी काजबल एलएनटी पहुंच चुके हैं और थोड़ा दूर अंदर जाने के बाद में हम डैम पहुंच जाएंगे फाइनली। उसके बाद आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूं, तो अभी आपको पीछे का व्यू दिखाता हूं, बहुत ही कमाल का व्यू है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है आई लव काजबल और वहां पर जो पुतला हुआ है बहुत ही कमाल का है। और ये जो पत्थर है ना, आई लव काजबल के सामने जो पत्थर है बहुत ही खूबसूरत है पत्थर। सो गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं काजबल डैम, ये उसका फ्रंट का गेट है, इससे क्या होता है अंदर जाते हैं, जो डैम के अंदर जाने वाला है फ्रंट का गेट है। और देख सकते हैं क्या व्यू है यहाँ का पानी और गज बहुत मस्त है, और ऊपर गोरा गोरा बादल बना हुआ है, शाम का समय ब्लू ब्लू बादल हो जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी सारा लोग आए हैं, बहुत लोग यहाँ पर आए हैं आज के दिन में। गाइस ये जो है ये डैम का गेट है, जहाँ जब पानी ज़्यादा भर्ती हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से गेट खोल दिया जाता है पानी जाने के लिए। क्या डैम है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है डैम, बहुत मस्त डैम है। और यहाँ का जो बादल, यहाँ की हरियाली हरियाली गज सब जो बहुत ही कमाल का है ये। हम अंदर आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं नदी, और ये मेरा दोस्त है हाय अजमत, मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ में खेलते थे, साथ में घूमते थे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का पानी, बहुत ही कमाल का व्यू है। गाइस वहाँ पर कुछ मछली पकड़ रहे हैं, और यहाँ पर शायद काफ़ी सारा मछली भी होगा, कहीं बहुत बड़ा, ये कितना दूर तक है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, यहाँ का पानी भी बहुत मस्त है।
तो गाइस यहाँ का जो पानी है ना, ये आगे तरफ से आ रहा है। वहाँ पर कुछ शायद बड़ा बड़ा पहाड़ है या क्या है पता नहीं, लेकिन वहाँ से पानी धीरे धीरे आ रहा है और यहाँ पर बहुत पानी आ रहा है। क्योंकि हम जब जंगल से घुस गए हैं ना, तो पर बहुत सारा पानी पानी आने का रास्ता सब बना हुआ था और यहाँ पर नीचे से यहाँ पर पानी जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही मस्त है, नेचुरल। अगर यहाँ पर बैठ जाएंगे ना तो सच में यहाँ पर नींद आने लग जाता, क्योंकि बहुत ही कमाल का डैम है। इसे काजबल डैम बोलते हैं। आप मैप में भी सर्च करके आ सकते हो, या किसी को अगर आपका दोस्त लोग है तो पूछ के भी आप आ सकते हो। सो गाइस फाइनली हम पूरा डैम के बीचे बीच में आ गए। ये उसका मेन रास्ता है जहाँ से हम अंदर जाते हैं। और ये हमारा दोस्त है इमरान, बचपन के दोस्त हैं, साथ में खेलते थे, साथ में घूमते थे, गेम खेलने भी साथ में जाते थे, बहुत मजा आता। अब भी जाते हैं, अभी भी सब जगह साथ में ही। क्या अड्डा की पब्लिक क्या बोलती, बहुत कुछ बोलती। तो यहाँ का बैकग्राउंड का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का है। और ये है हमारा डैम का नदी, नदी में बहुत पानी है, यहाँ पर जो भी जाएगा डूब जाएगा। लेकिन अंदर बिल्कुल भी मत जाना, जो भी बाहर में फोटो शूट करना, वीडियो बनाना, जो भी बनाना बाहर से बहुत मजा आने वाला है। फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। पूरा घूमना, आधा घूम के चले मजा आना, पूरा घूमना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ का सबसे सुंदर चीज पता है क्या है? यहाँ के बादल पूरा सेक्सी। तो गाइस यहाँ का जो बादल है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बादल है पूरा आसमान से नीचे उतर गया ऐसा लग रहा है, और हर तरफ ब्लू ब्लू बादल ऐसा दिख रहा है। और दिन का समय व्हाइट दिखता है, रात का समय पूरा ब्लू ब्लू बादल दिखता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर कुछ कपल यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर रोज़ शाम को कपल आते हैं, यहाँ बैठते हैं। आप आके बैठते हो तो पानी के अंदर मत जाना नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गहरा है, आप डूब भी सकते हो। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर मत जाइएगा, बस यहाँ पर बैठ सकते हो, पानी के अंदर बिल्कुल मत जाइएगा। तो गाइस यहाँ के जो पेड़ सब है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पेड़ का जो साइज है ना, पूरा गोल्ड टाइप का, वैसे लग रहा है कि इंसान ने खुद कटिंग करके शेप करके इसे बनाया है। सो गाइज आप जब भी आइएगा घूमने के लिए तो दिन में आइएगा, दिन में बहुत ज्यादा मजा आएगा। शाम में आएंगे तो भी मजा आएगा, शाम में क्या बादल का मजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चल रहा है एक नंबर हवा चल रहा है, यहाँ पर अंधेरा हो गया है ना, हम शूट के लिए खत्म करके जाने वाले नहीं, नहीं तो हम और भी देर ही रुकते हैं, यहाँ पर रात तक रुकते हैं, लेकिन रात तक नहीं रुक पाएंगे क्योंकि घर भी हमको जाना है। लेकिन बहुत ही कमाल का जगह है, बहुत मजा आया, मन कर रहा है कि यहीं पर सो जाऊं बोल के। और आप भी आके यहाँ पर मजा लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, बहुत मजा है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा ना, तो वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि आपका भी आपके इसी तरह का ब्लॉग लेके आते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।